56 कौन सा में है जो फॉर्मर जो एमएलए है उनका साथ आप वो गलत हुआ है, तो एज ऑपोजिशन लीडर आप उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? ये दुखी का बात है कि एक सीनियर मोस्ट फॉर्मर एमएलए को ये किडनैप करके वहाँ मार दिया गया और उसका श्रद्धांजलि हम अपील करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और परिवार को, उसका समाज का लोगों को, विशेषकर सभी अरुणाचल का लोगों के लिए वो दुख है। उसमें हम मेरे तरफ से कंडोलेंस मैसेज भी हमने भेजा है और इस समय दुख का घड़ी में हम परिवार का साथ में हूँ और मैं जो जिस प्रकार से जो वहाँ एक पूर्व विधायक को मर्डर किया गया उसका मैं बहुत गहराई से निंदा करता हूँ। इस प्रकार से गलत तरीका से आदमी को नहीं मानना चाहिए। जो भावना है आपस में बात करना चाहिए और बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। किसी का जिंदगी को लेके मार के उसे क्या फायदा मिलेगा, यह गलत तरीका है, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। मैं सरकार को भी अपील करूंगा कि उन सभी से जल्दी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, जो जस्टिस परिवार को मिलना चाहिए जल्दी दिलाने का काम करना चाहिए। सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कुछ भी करके जो सोल्यूशन निकल सकते हैं सोल्यूशन निकलना चाहिए और नेगोशिएशन टेबल में लेकर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारा एक जो प्रदेश में एक जिला में इस प्रकार से दुर्घटना होते रहता है। पूरा कुछ महीने पहले गंगपुरा को भी किडनैप किया गया है, उसका भी अभी तक लापता नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इसे सुनने में आता है। उसका भी रिहाई होना चाहिए और सरकार उसके लिए काम करना है, जल्दी से जल्दी रिहाई कराइए और लोगों को सुरक्षित में लाना चाहिए। लोगों का सिक्योरिटी के लिए सरकार निर्णय लेना है और सुरक्षित में रखना है। कितना दिन तक चलेगा सर इतना हादसा, ये सब होते रहेगा सर, कौन सा ये? क्योंकि वहाँ के लोग भी अभी डर से रह रहे हैं सर, क्योंकि लोग वहाँ के लोग भी डर से रह रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। लास्ट टाइम भी अतरिंग आबो को भी वहाँ पे ऐसी हुआ घटना हुआ सर। हाँ, वो 2-3 जिला में होते रहते हैं और ये भारत सरकार का ऊपर में है, वहाँ का लोगों का सिक्योरिटी का लिए चिंता करना है भारत सरकार। और भारत सरकार आपस में हर साल हर समय इसमें पीस टॉक का बारे में बात करते हैं, सीज फायर का बारे में बात करते हैं और अभी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जब चल रहा है तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को मानना चाहिए। उसका एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है जिस एग्रीमेंट में किसी का सुरक्षित नहीं है, एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या एग्रीमेंट करके रखा है जो प्रधानमंत्री जी, जब एग्रीमेंट किया है लेकिन लोगों का शांति में भी लाना चाहिए ना, और लोग एग्रीमेंट का अनुसार एग्रीमेंट को मानना भी चाहिए ना, एक दूसरे का ऑनर करना है, रेस्पेक्ट करना है और एक दूसरे का जो फैसला को मानना तो चाहिए। नहीं तो जल्दी से जल्दी भारत सरकार उसको निर्णय करके फैसला भी लेना चाहिए जिस प्रकार से भी करिए, क्योंकि इस प्रकार से लोगों का इस जिले का लोगों को डर डर करके रहना पड़ता है और वहाँ सुरक्षित नहीं है, ये गलत है। मैं ऑल पार्टीज को मैं विनती करता हूँ कि नेगोशिएशन टेबल में आए और सोल्यूशन निकाले और परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट पीस एरिया में लाने के लिए कोशिश करना है। सर इतना दिन से ये घटना चल रहा है लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो क्या कर रहा है सर स्टेट के अरुणाचल प्रदेश में? हाँ, मैं सरकार को भी अपील किया हूँ, पहले भी अपील किया और अभी भी अपील करता हूँ, सरकार उसको गंभीरता से ले और चर्चा करे और लोगों को रक्षा करे और लोगों का सुरक्षित के लिए भारत सरकार के साथ निर्णय ले।